Angel, Mishu, 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 हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे और मैं भी बहुत अच्छी। तो अभी आफ्टरनून हो रहा है, आफ्टरनून से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बना रही थी यहाँ पर मेरे लिए चावल और इसमें डाल दिया मैंने 2 गिलास पानी। उसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं चावल और उसके बाद यहाँ पे जो बर्तन मैंने वॉश करे थे मॉर्निंग में, सारे बर्तन मैं लगा दूँगी क्योंकि इसमें का पानी निकल चुका है और ये सारे बर्तन सूख गए हैं। तो मैं बर्तनों को पोंछती नहीं हूँ, डायरेक्ट मैं छोड़ देती हूँ तो दोपहर तक पानी निकल जाता है, सूख जाते हैं अपने आप ही, तो मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर चावल मैंने वॉश कर लिया और मैं इस कुकर में चावल डाल दूँगी। एंड ये देख सकते हो रियांश और मीशू दोनों, रियांश अपनी बहन को प्यार कर रहा था। और उसके बाद फिर यहाँ पे इवनिंग में लड़ाई हुई थी 7 बजे के करीब, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। और मुझे नहीं पता किस वजह से लड़ाई हो रही थी, बट हमारी जो बगल वाली बिल्डिंग है उसमें लड़ाई हो रही थी और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए थे। ये जो फ़ोन चला रहे हैं ये दूसरे मतलब कहीं और के हैं और यहाँ पे आकर लड़ रहे थे उनके साथ, और किस वजह से लड़ाई हो रही थी मुझे नहीं पता, बस आवाज़ सुनी तो मैं बाहर निकल के गई थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। एंड उसके बाद फिर मैं ये गाजर छील के कट करने वाली हूँ क्योंकि मैं बनाने जा रही थी गाजर का हलवा। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया, मैं शूट करना भूल गई थी। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और आपको पता ही है जब 2 बच्चे होते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कभी इधर ध्यान होता है, कभी उधर ध्यान होता है, कभी ये करना होता है, वो करना होता है। और एक बेटा मेरा 3 साल का होने वाला है अगले महीने, तो फिर उसको भी खाना पिलाना हर एक चीज़ उसका देखना पड़ता है। फिर मेरी जो बेटी है वो 2 महीने की है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है व्लॉग शूट करना, फिर बच्चे को देखना, घर देखना, अपने लिए तो टाइम भी नहीं निकल पाता। इसलिए फिर थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कैमरा लगा के रख दूँ, फ़ोन लगा के रख दूँ और थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। एंड उसके बाद फिर मैंने उसको कट करके रख दिया था और ये बना रही थी मैं दाल चावल शाम के लिए। तो और यहाँ दाल मैंने धुल के रख दिया, यहाँ पे डाल दिया मैंने हल्दी और नमक और इसको मैं कद्दूकस करके रख लूँगी। और पीछे से थोड़ी थोड़ी नॉइज़ आ रही है, वो मेरी मीशो की आ रही है, खेल रही है। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकस कर दिया और यहाँ देखो रियांश भी, जो भी मैं काम करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं किचन में अगर आ जाती हूँ तो वो अपनी कुर्सी लेकर आ जाता है, चेयर लेकर उस पर खड़ा हो जाता है। अगर मैं रोटी भी बना रही होती हूँ तो वो भी आ जाता है, वो रोटी बनाने के लिए, लोई लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं सारे गाजर को कद्दूकस करके रख दूँगी और मैं बना नहीं पाई थी तो इधर बाद फिर बना लूँगी, क्योंकि फिर मीशो रोने लग गई थी तो मैं मीशो के पास चली गई थी। और उस पर भी ध्यान देना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो अभी छोटी है और पूरी तरीके से मुझ पर डिपेंड है। तो फिर मैं उसके पास चली गई थी और इस यहाँ सारे मैं कद्दूकस करके रख दूँगी, बारीक वाले से मैं कद्दूकस कर रही हूँ। एंड गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और ढेर सारा प्यार देना इस वीडियो को। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने कद्दूकस कर दिया है। उसके बाद फिर मैं अगले दिन की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये भिंडी है, उसको मैं धुल के और छोड़ दूँगी क्योंकि ये सूख जाएंगे, तो उसके बाद फिर मैं कट कर लूँगी। तो इसको धुल के ऐसे छोड़ दिया मैंने। फिर यहाँ पे मैं दाल छौंक रही हूँ, दाल में तड़का लगा रही, तो यहाँ पे डाला है तेल, उसके बाद इसमें डाला है जीरा और हींग, फिर इसमें डाल दूँगी मैं प्याज और इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक भून लूँगी। एंड उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, टमाटर मैं कट करके रख लूँगी। और उससे पहले मैं डाल दूँगी मसाले, तो थोड़ा सा नमक डाला है मैंने दाल में, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी डाल दूँगी। उसके बाद डाला है सारा बेसिक मसाला जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसको अच्छे से पका लेंगे और मसाला तेल में मिक्स हो जाए। इससे क्या होता है, मसाले का जो कच्चापन होता है वो नहीं आता है। एंड फिर मैंने टमाटर डाल के अच्छे से इसको पका लिया, जब तक टमाटर तेल ना छोड़ दे तब तक पकाना है। और मीशो उठ गई थी तो मैं यहाँ लेके आ गई थी, आप देख सकते हो मीशो। बोबली
फिर यहाँ पे टमाटर पक चुका था और तेल भी छोड़ जाता था, फिर मैंने उसको साइड में लिटा दिया और मैं इस पर भी ध्यान रख रही हूँ और इधर मैं दाल छोक रही हूँ, तड़का लगा रही हूँ। और हस्बैंड आ गए थे बट उनको वॉशरूम जाना पड़ा तो वॉशरूम चले गए थे, तो फिर उनके पास ही थी तो फिर मैंने ले लिया था और मैं उस पर भी ध्यान रख रही थी। एंड उसके बाद खाए मैंने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, फिर दूध लाए थे हस्बैंड तो दूध को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाला है मैंने घी, घी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। एंड उसके बाद सारे बादाम और काजू को ब्राउन होने तक रोस्ट कर लूँगी एंड उसके बाद इसको निकाल लेंगे। और ये देख सकते हो ब्राउन रोस्ट हो चुके हैं, ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करना है इसका, नहीं तो फिर काला काला सा मतलब कड़वा कड़वा टेस्ट आएगा, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा ही रोस्ट करा है ब्राउन होने तक। एंड उसके बाद फिर इसमें हम डाल देंगे गाजर जो कि हमने कद्दूकस करा था, तो इस ये गाजर है और इसको हम थोड़ा सा और इसको रोस्ट करेंगे, भुनेंगे तेल में। एंड उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे दूध। दूध डालने के बाद दूध और गाजर को अच्छे से मिक्स होने तक पकाना है, जब तक वो पक ना जाए, थोड़ा सा आधा ना हो जाए। एंड उसके बाद फिर मैंने डाला है इसमें खोया, तो खोया यहाँ 50 रुपये का मंगाया था वो डाल दिया मैंने। और फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 इलायची, तो इलायची के अंदर का जो दाना होता है वो डाल रही हूँ और जो इसका बाहर का है छिलका वो मैं रख लूँगी चाय में डालने के लिए। उसको अच्छे से कूट लेना है एंड उसके बाद डाल देना है और इसको भी अच्छे से मिक्स करके पका लेना है, जब तक खोया मिक्स ना हो जाए गाजर के साथ तब तक पकाना है। और इसको मैंने कद्दूकस नहीं करा है, डायरेक्ट ऐसे डाल दिया। एंड मैंने ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए थे ठंडे होने के बाद और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी और पका लूंगी। और जब तक खोया पकेगा तब तक आपको चलाते रहना है। और यहाँ देख सकते हो खोया मेल्ट हो चुका है और इसके अंदर पक चुका है, मिक्स हो चुका है, तो इसमें डाल दूँगी मैं चीनी। और चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालें, जितना आपको मीठा पसंद हो, तो मुझे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद तो मैं अपने इस टेस्ट के अनुसार ही डाल रही हूँ। एंड उसके बाद फिर इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए इसके साथ। और पकाने के बाद फिर बस बंद कर देंगे। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और बहुत टेस्टी गाजर का हलवा बना था।